महागठबंधन प्रत्याशी सुरेश पासवान ने आज अनुमंडल कार्यालय में दिन के तकरीबन 12:17 पर अपना नामांकन दर्ज कराया और नामांकन के पश्चात भारी भीड़ के बीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। INN के लिए धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। नॉमिनेशन किया और जनता का आशीर्वाद हासिल है, बाबा भोले का आशीर्वाद मिल चुका है, जनता के बीच अब हम लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए। हम लोग सालों भर 5 साल में कभी हम लोग 5 दिन भी बैठे नहीं, हर समय जनता का बीच रहे, जनता का जो है हम लोग सेवा करते रहे। आज जनता का आशीर्वाद मिला है हम लोगों को और इस बार भारी बहुमत से हम लोग जनता का आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं और बाबा भोले के नगरी में जो भी होगा हर समाज के लिए एक नज़र से हम लोग जो देखते हैं हर समाज को लेके चलना, हर काम को लेके चलना। अभी महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सारे लोगों को एक तरह लेकर के चलना और जनता का सेवा के लिए सबसे बड़ी बात है। अभी जो है जनता के लिए सुरेश पासवान रात दिन सेवा में लगे हुए रहते हैं। मुद्दा क्या होगा मुख्यमंत्री जी? मुद्दा आपका सर, मुद्दा क्या होगा? तो जानते हैं कि यह सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार है यह झूठे का सरकार है, झूठे का गाछ है। इनका बारे में हम लोग जब जाएंगे क्षेत्र में तो जनता इनको सबक सिखलाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं झूठा ही रात दिन बोलवे किया है। अभी मुद्दा जो है हमारे बहन लोगों को जो पिटाई किया है, जी जी, आप जानते हैं सेविका सहायिका लोगों को, यहाँ जो पारा शिक्षक है उनको पिटाई किया गया है। ये झूठ बोलने का काम किए हैं, 15 लाख रुपया देंगे वोट लेने का काम किए, बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो झूठा का पुलिंदा जो है हम लोग क्षेत्र में जाके खोलेंगे, जनता के बीच खोलेंगे और जनता जो है